रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भजले मन तो सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दोस्तों आज स्वर कोकिला भारत की जो आवाज़ थी आज सुबह 8:30 बजे इस पंच तत्व में विलीन हो गई और ये आज शिवाजी पार्क में आज उनकी जो श्रद्धांजलि देने के बाद ये सागर का दरिया में समा जाएंगी। आज उनके जो अस्थियां हैं विसर्जित कर दी जाएंगी। यहीं पे हम इंटरडेटेक मुंबई MBA BK सिंह आप सभी को एक बार पूरे दुनिया की प्रेमी जो लता मंगेशकर जी के हैं उनको हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और उनको हरि के चरणों में स्थान दें उनको, ये हम हरि विष्णु से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों आज हम उस गीत को नहीं भूल सकते हैं और हम क्या पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। दोस्तों आए मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो देश के वीर सपूतों जवानों के लिए जो आवाज़ निकली थी माँ सरस्वती साक्षात उनके गले में बसती थी दोस्तों, वो याद के लिए उनको याद करने के लिए गाई थी। आज उनको आप सभी याद कर लीजिए और उनको ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनको उनकी आत्मा को हरि के चरणों में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिले और माँ सरस्वती की कृपा उनके द्वारा जाने के बाद ऐसे ही लोग भारत की धरती में फिर एक बार आती रहें और वो दूसरी किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगी। ये इंट्राडेटेक मुंबई MBA BK सिंह को पूर्ण विश्वास है दोस्तों। जी हाँ, इसलिए कि कहा जाता है हर देवी बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जी दोस्तों, यहाँ की हर बालिकाएं एक देवी के स्वरूप है, तो लता मंगेशकर जी भी साक्षात सरस्वती की प्रतिमा थी और आज पूरी दुनिया को रुला के गई। दोस्तों हम आप सभी को एक बार सभी के तरफ से इस दादर की धरती से दरिया किनारा शिवाजी पार्क के इस याद को आपके जेहन में भरने के लिए भारत में रह रहे हो या भारत के बाहर जो भी लोग हैं हम सभी को कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। दोस्तों आई मस्ट वेलकम टू मच अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू इन इंटरडेटेक मुंबई। जय हिंद।